नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर सिंगरौली जिले की है, जहां पर बरगुआ थाना पुलिस द्वारा कफ सिरप के तस्करों को पकड़ा गया है। बड़ी मात्रा में नशीले कफ सिरप जब्त किए गए हैं। बरगुआ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर गढ़वा उत्तर प्रदेश से बाइक पर सवार दो युवकों से भारी मात्रा में नशीले सिरप जब्त किए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि जिले में प्रतिबंधित कप सिरप उत्तर प्रदेश घोरावल से सप्लाई करने आ रहे दो कोरेक्स तस्करों को उनके दो एजेंटों सहित चार कार्टून में भरे 360 शीशी कोरेक्स और दो बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी कीमत लगभग 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। दो दिन के अंतराल में नशे के विरुद्ध बरगुआ पुलिस की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। बीते सप्ताह भर में बरगुआ पुलिस ने 1.5 दर्जन से अधिक कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा, शराब और सिरप जब्त किया है। पुलिस के द्वारा कल मुखबिर की सूचना के आधार पर कोडीन सिरप जो है, चार पेटी उसको पकड़ा है। लगभग 360 सीसी कोडीन सिरप है। कोडीन सिरप का प्रयोग नशे के लिए इस क्षेत्र में किया जाता रहा है, लोगों को यह सर्वविदित है, सबको पता है। चार अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। यूपी से इसकी सप्लाई होती रही है। पूर्व में भी अभी कुछ दवाई दुकानों पर छापा पड़वाया था, तो उसमें सिरप इस तरह के मिले थे। तो अभी कुछ दिनों तक ये कार्रवाई जो है चलती रही, तो सिरप का व्यापार बंद हुआ था, अंकुश लगी थी। लेकिन अभी फिर से इन्होंने हाथ पर मारना शुरू किया तस्करों ने, तो फिर अभी बड़ी कार्रवाई की गई है। हमें उम्मीद है कि अभी अंकुश लगा रहेगा और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम करते रहेंगे। सर, जो दवा जा रहा था वो किस दुकान में जा रहा था, ये सब कुछ पता नहीं? ये दुकान वाले नहीं है, अभी तो ये यूपी से आ रहा था, घोरावल क्षेत्र से, और ये लोकल सप्लाई करते हैं।